जय गो माता जय गोपाल। राजस्थान का एकमात्र छोटे बछड़ों का गौशाला है और आज गौशाला में प्रतिदिन लापसी तो होती है, आपको पता है, लेकिन आज हरा चारा आया है हमारे गौ भक्तों की तरफ से, आप देख सकते हो। और बड़ी गौ माता एक साइड है, छोटे बछड़े एक साइड है, ये बछड़ा थोड़े व्यवस्थित बछड़े हैं उनका गोश्त है ये, आप देख सकते हो। बाकी उस तरफ आपको प्रतिदिन लाइव करता ही हूँ, बड़ी गौ माता उधर है और इससे छोटे इस बाड़े में ये यहाँ रहते हैं और ये जो बीच के भाग के यहाँ हैं। तो आज हरा चारे की गाड़ी आई है, मकई का हरा चारा आया है और आज हरा चारे के लाभार्थी गौ भक्त लाडले हमारे मासिक सदस्य भी है और हर समय सहयोग करने वाले भाई हंसराज जी, सिनोब श्री भीख जी जो हमारे उप सरपंच, भूतपूर्व उप सरपंच थे, उनके सुपुत्र ने भेजी है, आप देख सकते हो। गौ माता के लिए हरा चारा भेजा है श्रीमान भीख जी, श्री लूम्बा जी उप सरपंच, पूर्व उप सरपंच चौरा, उन्होंने भेजी। आप गौ माता के लिए हरा चारा देख सकते हो। इसमें जो बड़ी गौ माता है यह बीमार ग्रस्त थी, अब इसके पीछे के पैर का फ्रैक्चर था, यह ऐसी गौ माता है, यह इन छोटे बच्चों के लिए क्या प्रतिदिन दाड़ा पौष्टिक आहार आता है, इसीलिए इनके साथ रखी जाती है और शाम को सब अलग अलग गोष्ठों में, जो छोटे अलग बड़े अलग सब व्यवस्था के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद हर समय सहयोग करने वाले श्रीमान भीख जी, सिनोब श्री लूम्बा जी, माली सुंदेशा चोरा, भीख जी सिनोब लूम्बा जी परमार चोरा, पूर्व उप सरपंच साहब चोरा वालों ने आज गौ माता के लिए हरे चारे की गाड़ी भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद, गौ माता का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। और ये जो दो फरमे दिए थे आपको बताऊं, ये दो फरमे दिए थे श्रवणकार गौ सेवा समिति सांचौर वालों की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी 8-10 फरमे गौ भक्तों के सहयोग से गौशाला की तरफ से निकलवाए हैं, क्योंकि ये ऐसे आप देख सकते हो वो उधर है, ये है गोश्त, चारे के लिए बहुत कम पड़ रहे थे इसीलिए गोश्त बनाई है। अनदाराम जी कितने फरमे निकाल चुके हो? 10 फरमे निकाल चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी गौ भक्तों का, ये सेवा आपके सामने, जय गौ माता जय गोपाल। और ये हमारे भाई दिनेश भाई है, जो राजू जी और दिनेश भाई वहाँ बेंगलोर से बहुत अच्छा सेवा करते हैं, राजू जी ढाका साहब और दिनेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता का आशीर्वाद आपके सभी पूरे परिवार पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार भीख जी, पूर्व उप सरपंच साहब को, जिन्होंने गौ माता के लिए हरा चारा भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद।